हेलो, तो शुरू किया जाए, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास ही में बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आपको वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। गाइस, सचिन सक्सेना हेयर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। 8 अपडेट मैं आपको आज बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, जो व्हाट्सएप में या तो आ चुके हैं या बहुत जल्द आ जाएंगे। तो अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हो तो ये वीडियो कम्प्लीटली देखें तो आपको समझ आएगा कि कौन से ऐसे अपडेट हैं जो आपको नहीं पता थे और व्हाट्सएप में बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप उनका किस तरह से यूज कर पाओगे और क्या क्या अपडेट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप व्हाट्सएप यूजर। चलो भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और अनोखा अपडेट जो आ रहा है व्हाट्सएप में स्टिकर्स का, तो ये अपडेट कल ही लॉन्च हुआ है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना दिया, आई थिंक आप लोगों ने अगर देख लिया हो वीडियो तो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में अपडेट आ चुका है। 0.329 व्हाट्सएप का जो बीटा वर्जन है, व्हाट्सएप का जो लेटेस्ट बीटा वर्जन 0.329, उसमें ये अपडेट आ चुका है। अब आप व्हाट्सएप में स्टिकर्स को सेंड कर सकते हैं। जब आप किसी को मैसेज करेंगे तो आप सिंपली मैसेज पे जाइए, वहां पर आपको इमोजी बटन पे टैप करना होगा। इमोजी बटन पे थर्ड नंबर पर आपको स्टिकर्स का ऑप्शन मिलेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स को यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको स्टिकर्स अलग से डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा, कि मतलब स्टिकर्स को अलग से व्हाट्सएप में यूज कर सकते हैं, जो कि कमाल का फीचर है। नेक्स्ट अपडेट जो आने वाला है व्हाट्सएप में, फिलहाल अभी आया नहीं है बट बहुत जल्द व्हाट्सएप में आ जाएगा, तो ये अपडेट आ रहा है वैकेशन मोड। तो वैकेशन मोड क्या होता है पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा कई बार हमें कोई इरिटेट करता है, परेशान करता है, तो हम क्या करते हैं उसके मैसेज को आर्काइव कर देते हैं। ठीक है, तो जो मैसेज आप आर्काइव कर देते हो नॉर्मली एक तरह से म्यूट हो जाता है, वो आपको स्क्रीन पर शो नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी पर्सन अगेन वही पर्सन दोबारा से मैसेज करता है तो वो ऑटोमेटिकली अनआर्काइव हो जाता है। तो ऐसे में व्हाट्सएप ने उससे बचने के लिए आपको एक फीचर दिया है वैकेशन मोड। ये अभी आया नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा। तो वैकेशन मोड के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, जब भी आप उस पर्सन का वैकेशन मोड ऑन कर देंगे, एक तरह से ये साइलेंट मोड होगा, जिसमें अगर आप किसी पर्सन को आर्काइव कर देते हैं, किसी की चैट को आर्काइव कर देते हैं, तो उसमें होगा क्या, वो मैसेज या उस पर्सन अगर आपको दोबारा कभी मैसेज करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आर्काइव नहीं होगा और वो आर्काइव चैट में ही बना रहेगा, चाहे कितने वो मैसेज आपको सेंड करता रहे, कुछ भी होता रहे। तो ये काफी कमाल का फीचर है जिसके थ्रू आपको कोई भी पर्सन इरिटेट नहीं कर पाएगा, वैकेशन मोड या साइलेंट मोड। ये बहुत जल्द ये फीचर आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप लिंक्ड अकाउंट। तो गाइज, आपको पता होगा व्हाट्सएप ने लास्ट ईयर अपना एक और न्यू एप्लीकेशन लॉन्च किया था, व्हाट्सएप बिजनेस। जी हाँ, उससे रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आई बटन जहां पर भी हो वहां पर देख लेना। तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में फुल डिटेल्स मैंने बताया था, सारी चीजें मैंने क्लियर की थी। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करना चाहते हो, आपका बिजनेस है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। तो ये फीचर स्पेशली फॉर व्हाट्सएप बिजनेस के लिए आएगा, जिसमें आप अपने इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, मतलब इनको कनेक्ट कर सकते हो अपने व्हाट्सएप बिजनेस के साथ। मे बी ये फीचर ऑफिशियल व्हाट्सएप में भी आ सकता है, बट ये फीचर बनाया स्पेशली इसीलिए जा रहा है कि आप व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टाग्राम से, फेसबुक वगैरह से कनेक्ट कर पाओ। तो लिंक्ड अकाउंट का फीचर आने वाला है जो काफी हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट जो कि है स्वाइप टू रिप्लाई करने का, कि अगर आप किसी मैसेज को इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आप उस पर्सन को रिप्लाई कर सकते हैं। ये फीचर ऑलरेडी से व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन में आ चुका है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो में मैंने बताया कि स्वाइप टू रिप्लाई का फीचर कैसे यूज करना है और आपको ये किस अपडेट पर मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट आता है व्हाट्सएप स्टेटस में एडवर्टाइजमेंट का। जी हाँ, ये थोड़ी दुख भरी न्यूज है व्हाट्सएप यूजर्स के लिए। असल में आप जैसा यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो, तो आपको पता होगा सभी पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं। यूट्यूब आप जो वीडियो देख रहे हैं इस पर भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ही एक ऐसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन बचा था जिस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। फाइनली इसको कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने बाय कर लिया था, खरीद लिया था। तो व्हाट्सएप के जो ओनर है या जो डेवलपर है, उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप में हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाएंगे, हम डोनेशन के थ्रू अर्न करेंगे। लेकिन इसे बाद में फेसबुक ने खरीद लिया और एक साइन हुआ था, एक असाइनमेंट के, हाँ भैया इतने टाइम तक हम लोग व्हाट्सएप में एडवर्टाइजमेंट को शो नहीं करेंगे। लेकिन वो शायद ट्रीटी साइन हुई थी, वो उसका टाइम ओवर हो चुका है या वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब व्हाट्सएप ने, यानी कि व्हाट्सएप में आपको एड देखने को मिल सकते हैं। सुना जा रहा है कि व्हाट्सएप जो अपने एडवर्टाइजमेंट को स्टेटस में लगाएगा, आप जब देखते होंगे व्हाट्सएप करते हैं, आप जब स्टेटस पर जाते हैं तो आपको सभी की स्टेटस दिखाई देते हैं, हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप में वहां पर एडवर्टाइजमेंट शो हो जाए। अभी फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में हर जगह एडवर्टाइजमेंट भरा पड़ा है, तो ऐसे में अब हो सकता है कि व्हाट्सएप में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाए।
क्योंकि वो लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो यही एक जरिया होता है जिससे कि वो लोग पैसे कमा सकते हैं। अपडेट आने वाला है पीआईपी मोड का, तो ये फीचर क्या है और कैसे काम करता है। पीआईपी मोड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पिक्चर इन पिक्चर मोड होता है, जिसमें आप किसी भी वीडियो को अपने व्हाट्सएप यूज करते करते साथ ही यूज कर सकते हो। आपका पीआईपी मोड कैसे यूज करना है, ये फीचर ऑलरेडी व्हाट्सएप में आ चुका है और ये फीचर का मैंने एक वीडियो भी बनाया, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे पीआईपी मोड व्हाट्सएप में यूज कर सकते हो और उसे इंजॉय कर सकते हो। मतलब आप व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारा डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एक व्हाट्सएप में दो ऐप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है डार्क मोड, तो ये अपडेट जो है बहुत जल्द आएगा, तो ये अभी पता नहीं है ये व्हाट्सएप में ये अपडेट कब आने वाला है, लेकिन ऑफिशियली व्हाट्सएप में बहुत जल्द अनाउंसमेंट हुआ था कि हम व्हाट्सएप में डार्क मोड का फीचर लाने वाला, और जैसे ये फीचर आ जाएगा तो बहुत मजे आ जाएंगे यार। डार्क मोड हम सब रात में या दिन में कभी भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आई को बहुत ज्यादा स्ट्रेन मिलता है, बहुत ज्यादा तनाव रहता है, तो ऐसे में अगर डार्क मोड का आप फोन में यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और डार्क मोड से आपकी आंखों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और ये बहुत अच्छा फीचर है। तो डार्क मोड जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो फाइनली अभी ये फिलहाल ये फीचर व्हाट्सएप में उपलब्ध नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा। लास्ट अपडेट आ रहा है व्हाट्सएप का रिकॉल फीचर। जैसे कि आपको पता होगा जब आप किसी पर्सन को मैसेज भेजते हैं, अगर आप उसे 1 घंटे के तक अगर वो मैसेज रीड नहीं करता तो आप उसे डिलीट फॉर एवरीवन फीचर की हेल्प से रिकॉल कर लेते हैं, मतलब उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं, वो भी नहीं पढ़ पाएगा और आप उसे डिलीट कर ही देंगे, मतलब उस पर्सन के पास मैसेज जाएगा ही नहीं। तो ऐसे में व्हाट्सएप ने उसका जो टाइम लिमिट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, करीब 13 आवर्स 8 मिनट उसको इंक्रीज कर दिया गया है। अगर वो पर्सन, आपने किसी को मैसेज भेजा और अगर वो पर्सन उस मैसेज को रीड नहीं करता है 13 घंटे तक, तो ऐसे में अगर आप चाहें तो उस मैसेज को रिकॉल कर सकते हैं। तो ये फीचर भी ऑलरेडी व्हाट्सएप में आ चुका है, तो आप पहले अपने व्हाट्सएप को बीटा वर्जन में अपडेट कर लें, देन उसके बाद इन सभी फीचर्स को आप यूज कर पाएंगे। ये सभी फीचर व्हाट्सएप के अल्फा, बीटा वर्जन या किसी फेज में है, तो अभी ये सभी को यानी कि स्टेबल वर्जन पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई फीचर नहीं मिला है, अभी कुछ तो आए नहीं है, कुछ जो आ चुके हैं वो अगर नहीं मिले हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां से अपने व्हाट्सएप को लेटेस्ट बीटा वर्जन में अपडेट कर लीजिए और आपको ये फीचर मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक यार जरूर करना, इतने कमाल के अपडेट्स व्हाट्सएप में आए हुए हैं और आने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा फीचर, व्हाट्सएप का फीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप कौन सा फीचर का वेट कर रहे हो, और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नहीं दबाया तो यार बेल आइकन जरूर से दबा दो ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।